तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पर जो लिस्ट देख रहे हो दोस्तों, ये है यूट्यूब सर्च लिस्ट जहाँ पर मैंने कंटेंट सर्च किया। एंड यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को जो दो वीडियो शो हो रही है ना सबसे ऊपर, वो मेरी वीडियो है, जिसमें से एक वीडियो पर 3,17,000 व्यू है एंड एक पे 18,000 व्यू है। दोस्तों ये दोनों ही वीडियो मेरे दोनों अलग अलग चैनल की है एंड दोनों ही दोस्तों सर्च में सबसे ऊपर आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को अभी समझ सकते हो, आप लोग एक यूट्यूबर हो तो दो वीडियो को एक ही कंटेंट पर सबसे ऊपर एक के बाद एक सर्च में लाना बहुत मुश्किल काम है। और दोस्तों आप लोग भी अपनी वीडियो को सर्च में सबसे ऊपर ला सकते हो अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हो, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अपनी वीडियो को सर्च में सबसे ऊपर कैसे लाना है। और दोस्तों मुझे सर्च में सबसे ऊपर लाना अच्छे से आता है, प्रूफ मैंने आप लोगों को भी दिखाई दिया। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि यूट्यूब किस तरह की वीडियो को सर्च में सबसे ऊपर दिखाता है। तो चलिए दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों ने YouTube पर कोई टॉपिक सर्च किया तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के सामने बहुत सारी वीडियोस आएंगी, लेकिन दोस्तों सबसे ऊपर कौन सी वीडियोस आप लोगों को YouTube दिखाएगा? आप लोगों को YouTube सबसे ऊपर वही वीडियोस दिखाएगा जो कि गाइस YouTube को लगेगा कि हाँ YouTube के अकॉर्डिंग वो वीडियो जो है सबसे अच्छी वीडियो है, तभी तो YouTube उसको सबसे ऊपर दिखा रहा है। अब आप बोलोगे कि गोल ग्रो भाई हमें ये बताओ कि YouTube को कैसे पता चलेगा कि हमारी वीडियो जो है वो सबसे अच्छी है, वो YouTube पर सबसे ऊपर दिखाने के लायक। तो देखो गाइस यार, YouTube जो है वीडियो को एनालाइज करता है और पता लगाता है कि ये वीडियो जो है YouTube पर सबसे ऊपर दिखाने के लायक है या फिर नहीं है। और दोस्तों YouTube एनालाइज करता है तो सिर्फ किसी एक चीज को नहीं देखता है। YouTube पर आप लोगों ने देखा होगा कि सर्च करते हो तो सबसे ऊपर वही वीडियो नहीं आती जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं, बल्कि गाइस वो वीडियो आती है जो कि गाइस सब वीडियो में एवरेज से ऊपर होती है, मतलब कि उसकी व्यू ड्यूरेशन सबसे सब वीडियोस से अच्छी होती है। एंड दोस्तों उस पर लाइक जो है वो भी अच्छे खासे होते हैं। एंड दोस्तों उसका जो थंबनेल है वो भी ज्यादा क्लिक थ्रू रेट वाला होता है, मतलब उस वीडियो का CTR ज्यादा होता है। अब दोस्तों ये सब क्या है, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है उन सब चीजों को कैसे बढ़ाना है तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज आती है दोस्तों थंबनेल। तो दोस्तों आप लोगों को पता है ये मेरा थंबनेल भी इतना अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हाँ अगर आप लोगों का थंबनेल जो है वो ऐसा है जिससे ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा टच कर रही है तो इससे YouTube को पता चल जाता है कि हाँ ये इस वीडियो का जो थंबनेल है वो अच्छा है, इसीलिए ऑडियंस इस पर बार बार क्लिक कर रही है। लेकिन अगर आप लोगों की जो वीडियो है वो क्लिक करके थोड़ा बहुत देख के वीडियो पे जो ऑडियंस है वो छोड़ देती है तो इससे YouTube को पता चलता है कि इस वीडियो में दम नहीं है, क्योंकि इस वीडियो की जो व्यू ड्यूरेशन है वो अच्छी नहीं है। अब दोस्तों अगर आप लोगों की वीडियो पर कोई भी बंदा क्लिक करता है और उस वीडियो को ज्यादा देर तक देखता है तो इससे वीडियो मतलब YouTube को पता चलता है कि हाँ इस वीडियो का थंबनेल भी अच्छा है एंड व्यू ड्यूरेशन ज्यादा रही है, मतलब ये वीडियो भी अच्छी है, लोग इसको ज्यादा देर तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को ऊपर दिखाना चाहिए। अब दोस्तों थंबनेल कैसे अच्छा बनाना है इस टॉपिक पे तो आप लोगों को YouTube पर ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी। एंड दोस्तों व्यू ड्यूरेशन को कैसे बढ़ाना है इसकी जेन्युइन टिप्स वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के पहले अपलोड कर रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। दोस्तों YouTube पर वीडियो को सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर लाने में सबसे मेन रोल होता है व्यू ड्यूरेशन। दोस्तों आप लोगों की वीडियो की व्यू ड्यूरेशन जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी, जितनी ज्यादा तगड़ी रहेगी, उतनी ही ज्यादा ऊपर आपकी वीडियो आती जाएंगी सर्च लिस्ट में। हाँ दोस्तों सर्च लिस्ट में वीडियो को लाने में एक और चीज इफेक्ट करती है, वो चीज है दोस्तों आप लोगों की वीडियो की लेंथ। जैसा कि गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर जितनी भी वीडियो मैं सर्च में देख रहा हूँ, सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर जो वीडियोस है उनकी लेंथ देखिए गाइस आप लोग। मेरी जो सबसे ऊपर वाली वीडियो है उसकी लेंथ 7 मिनट से ज्यादा है एंड सेकंड वीडियो की लेंथ 12 मिनट से ज्यादा है। एंड उसके बाद में उसके नीचे थर्ड नंबर पर जो वीडियो आ रही है उसकी 9 मिनट से ज्यादा है, फिर 11 मिनट है और फिर नीचे जो वीडियो आ रही है उसकी भी 11 मिनट है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग 10 मिनट के आसपास ही वीडियो की लेंथ है। अब आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि वीडियो की लेंथ को थोड़ा बड़ा रखना है, मतलब ज्यादा थोड़ी लंबी वीडियो बनानी है। तो गाइस लंबी वीडियो बनाने के चक्कर में बिल्कुल खराब वीडियो मत बना देना, क्योंकि गाइस YouTube यहां पर क्या YouTube को इससे क्या मैसेज जाता है कि अगर आप लोगों की वीडियो लंबी भी है एंड उसकी व्यू ड्यूरेशन भी अच्छी है तो YouTube को यह लगता है कि इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में ज्यादा डिटेल में समझाया गया है, क्योंकि गाइस ज्यादा डिटेल में तभी समझा सकते हैं जब वीडियो बड़ी बन सके, ठीक है। अगर आप लोग ज्यादा देर तक अच्छे से समझाओगे तो वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी एंड YouTube को पता चल जाएगा कि हाँ इस वीडियो की व्यू ड्यूरेशन अच्छी है, मतलब लोग इस वीडियो को ज्यादा देर तक देख भी रहे हैं, प्लस इस वीडियो ये वीडियो लंबी है इसलिए इस वीडियो में जो है ज्यादा कुछ बताया गया है इस टॉपिक के बारे में।
बारे में। तो यूट्यूब यही चाहता है कि ऑडियंस को ज्यादा जानकारी मिले एंड ऑडियंस को वीडियो भी पसंद आए। तो गाइस आप लोग जब भी वीडियो बनाओ तो ऐसी वीडियो बनाना जो थोड़ी लंबी भी हो एंड उसमें आप लोगों ने जो भी नॉलेज शेयर किया है वो थोड़ा ज्यादा नॉलेज हो। अब दोस्तों आप लोगों को एक डाउट हो सकता है, आप लोग बोलोगे कि भाई हम जो भी टॉपिक बनाने की सोच रहे हैं वो टॉपिक 8 मिनट तक खींचा ही नहीं जा सकता, मतलब 8 मिनट तक हम उस टॉपिक के बारे में जानकारी दे ही नहीं सकते ऑडियंस को। तो भाई उस टॉपिक को एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, वहां पर आप लोगों को जो वीडियोस दिखाई देंगी उन वीडियोस की लेंथ देख लेना, जो टॉप पर 10 वीडियोस होंगी उनकी लेंथ देख लेना। अगर उस टॉपिक पर उन वीडियोस की लेंथ 8 मिनट के लगभग है या फिर जितनी भी लेंथ है उसके एवरेज में ही आप लोगों को अपनी वीडियो की लेंथ बना देनी। और उसके बाद में गाइस आता है लाइक वाला मैटर। अब यहाँ पर गाइस क्या करना है कि आप लोग जो भी वीडियो बना रहे हो उस वीडियो को इतना अच्छा बनाने की कोशिश करना कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिले। अब दोस्तों यूट्यूब क्या करेगा कि आपकी वीडियो चेक करेगा, वहां पर व्यू ड्यूरेशन भी अच्छी है, वीडियो की लेंथ भी अच्छी है, तो उससे यूट्यूब को जो है ज्यादा वॉच टाइम मिलेगा। और अगर आप लोगों की वीडियो के लाइक्स भी अच्छे है तो यूट्यूब भाई कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ आपकी वीडियो जो है लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाने के लायक है। मतलब कि दोस्तों आप लोग जब भी वीडियो बनाओ तो आपका माइंडसेट बस ये होना चाहिए कि मुझे अपनी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को एक्सप्लेन करके बताना है और ऑडियंस को ये वीडियो पसंद भी आनी चाहिए। बस इतना सा माइंडसेट अगर आप लोगों का रहेगा तो आप लोगों की कोई ना कोई वीडियो सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर जरूर आएगी। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज गाइस, अगर आप लोग अपनी वीडियो को सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर लाना चाहते हो तो उसके लिए गाइस आप लोगों की जो वीडियो है उसमें टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन भी सबसे अच्छा होना चाहिए। अब दोस्तों टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, इस टॉपिक पर मैं अलग ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग उस तब तक का वेट कर सकते हो क्योंकि इसमें सबसे यूनिक चीजें बताता हूँ। तो किस वहां पर भी आप लोगों को कोई यूनिक टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन जो है सबसे अच्छा लिख सको। और दोस्तों बाकी व्यू ड्यूरेशन को कैसे बढ़ाना है इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, चैनल में जाकर के देख लेना। बाकी गाइज उम्मीद करता हूँ कि गाइज आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड गाइज ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर गाइज आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।